मित्रों, गरुड़ पुराण में चार ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति के पापों का नाश करती हैं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर ले जाती हैं। मित्रों, हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी कुछ गलती से भी पाप हो जाते हैं और उन पापों की वजह से हमें गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सजा भुगतनी पड़ती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताएंगे, तो मित्रों वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन नोइंग पर। मित्रों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता है। कलयुग में मृत्यु ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे बुरे सभी का खात्मा कर देती है। मृत्यु क्या है, मृत्यु उपरांत आत्मा के साथ क्या होता है और मृत्यु से जुड़ी हर एक बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए, यह सब गरुड़ पुराण में दर्ज है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के लिए कई बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु से मुक्ति, मोक्ष अर्थात सारे बंधन से मुक्ति। भगवान विष्णु ने गरुण पुराण में कहा है कि बंधनों से बंधा व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री और पुत्र के मोह से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मोह सारे बंधनों का कारण है। जब तक आपको मोह रहेगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। मोह के कारण आपको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातें स्वयं नारायण ने बताई हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के पुनर्जन्म तक के बारे में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का अनुसरण करके मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सद्गति को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करना है तो अंतिम समय में पहले करें ये चार काम, जाने क्या है इसके उपाय। नंबर एक, भगवान विष्णु की पूजा। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी नियमित नाम जाप करने से जीवन एवं जीवन के बाद के सभी संकट दूर होते हैं। मरने के बाद नरक में जाते हैं ऐसे लोग, जानिए क्या कहता है गरुड़ पुराण। नंबर दो, एकादशी व्रत। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास लग जाए तो यह एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी को श्रेष्ठ बताया गया है और इस दिन व्रत करने से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता भी है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में एकाग्र शक्ति की प्राप्ति होती है, मन भटकाव से बचा रहता है और मृत्यु पश्चात भी एकादशी के व्रत से मिला पुण्य काम आता है। नंबर तीन, गंगा स्नान। हिंदू धर्म में गंगा को केवल नदी ना कहकर देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं यह नदी महान है, पवित्र है, इसलिए इस नदी में स्नान करने वाला प्रत्येक मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर नहीं स्नान कर सकते तो गंगा जल को किसी बाल्टी या टब में पानी में मिक्स करके स्नान करने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। नंबर चार, तुलसी की पूजा। गरुड़ पुराण में तुलसी को भी परमधाम ले जाने वाला बताया गया है। कहते हैं कि श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र डाल दिए जाएं तो व्यक्ति परमधाम को प्राप्त होता है। कलयुग में सबसे सरल उपयुक्त मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का, जो है भक्ति। आपकी भक्ति, आपके सत्कर्म ही आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएंगे और इससे सरल तरीका कोई नहीं है। भागवत महापुराण में भक्ति को ही कलयुग में श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। बस आपकी भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना जरूरी है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु से मुक्ति, मोक्ष अर्थात सारे बंधन से मुक्ति। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में कहा है कि बंधनों से बंधा व्यक्ति मुक्त हो सकता है,
किंतु स्त्री और पुत्र के मोह से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मोह सारे बंधनों का कारण है। जब तक आपको मोह रहेगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। मोह के कारण आपको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। सब कुछ छोड़कर आप भगवान के शरण में हो जाइए। जिस प्रकार मीरा केवल एक कृष्ण के आश्रित हो गई, गोस्वामी जी ने अपना सब कुछ भगवान के प्रति निछावर कर दिया, उस प्रकार आप भगवान में विलीन हो जाएंगे तो भगवान आपको अवश्य ही मुक्त कर देगा। यह किसी युग से कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप ऐसी स्थिति में हो जाएंगे तो भगवान आप पर अवश्य कृपा कर देंगे। मित्रों, नी सहाय व गरीब लोगों और जीवों की हमेशा मदद करनी चाहिए।